दोस्तों बॉलीवुड के बारे में एक बात तो वाकई बहुत सही कही जाती है कि यहाँ रिश्तों को बदलने में वक्त नहीं लगता। कल तक जो साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे वो अब एक दूसरे के सामने आने से भी कतराते हैं। अब आलिया और सिद्धार्थ को ही ले लीजिए जो इस बात को बखूबी साबित कर रहे हैं। देखिए कैसे दोनों एक दूसरे से अब कन्नी काट रहे हैं। एक वक्त पर आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा की आशिक ही खूब देखने को मिली, लेकिन जब से आलिया को रणबीर कपूर का साथ मिला है उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा से कर दिया है किनारा। जनाब आलम तो ये है कि अब ये दोनों एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते हैं। हाल ही में फिल्म कुछ कुछ होता है कि 20 साल पूरे होने का सेलिब्रेशन हुआ जहां करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी इनवाइट किया। इस मौके पर उनके साथ वरुण धवन, जानवी कपूर, ईशान खट्टर भी पहुंचे जिन्होंने इस मौके पर अपनी स्पीच भी दी। लेकिन सिद्धार्थ बार बार गेस्ट लिस्ट के बारे में पूछ रहे थे। सोर्सेज की माने तो सिद्धार्थ इस बात को कन्फर्म करना चाहते थे कि पार्टी में आलिया और रणबीर कपूर आने वाले हैं या नहीं, क्योंकि वो उन्हें फेस नहीं करना चाहते थे। ऐसे में जब करण जौहर की बात पता चली तो उन्होंने सिद्धार्थ को बैक स्टेज ले जाकर बताया कि आलिया और रणबीर कपूर पार्टी में नहीं आएंगे क्योंकि वो दोनों न्यूयॉर्क में हैं। और ये सुनकर ही सिद्धार्थ का चेहरा खिल गया और वो पार्टी खत्म होने के बाद ही इवेंट से गए। वहीं जब आलिया करण जौहर के शो कॉफी विद करण सीजन 6 में दीपिका पादुकोण के साथ पहुंची तो रैपिड फायर राउंड में आलिया से करण ने पूछा कि वो सिद्धार्थ मल्होत्रा को किसके साथ देखना पसंद करेंगी। पहले तो आलिया सिद्धार्थ का नाम सुनकर ही चिढ़ गई और फिर उन्होंने कहा कियारा आडवाणी या फिर जैकलिन फर्नांडिस। बता दें कि इन दिनों सिद्धार्थ का नाम कियारा आडवाणी के साथ जोड़ा जा रहा है। इससे पहले जैकलिन के साथ उनके लिंकअप की खबरें उड़ी थी तो एक तरफ आलिया सिद्धार्थ का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं है, वहीं सिद्धार्थ आलिया और रणबीर कपूर को फेस नहीं करना चाहते हैं। बाकी बॉलीवुड के रिश्ते बड़े अजीब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।